टॉक ऐप हुआ लॉन्च, जाने इसकी खूबियां और कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल। नई दिल्ली, रिलायंस जीआईओ ने एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है जीआईओ ग्रुप टॉक, जिसके जरिए यूजर्स वोल्ट के माध्यम से ग्रुप कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकेंगे। इस ग्रुप टॉक ऐप में एक बार में एक समय पर 10 लोगों को जोड़ा जा सकता है। जियो ग्रुप टॉक ऐप में लेक्चर मोड और म्यूट पार्टिसिपेंट्स जैसे कई अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं, यानी अगर आप चाहें तो कॉल के दौरान किसी को म्यूट भी कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस ऐप के जरिए जियो और नॉन जियो दोनों ही यूजर्स को कॉन्फ्रेंस कॉल में जोड़ा जा सकता है, यहाँ तक कि आप लैंडलाइन नंबर को भी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये नंबर अपने स्मार्टफोन के कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव करने होंगे। यह ऐप फिलहाल ट्रायल मोड में है और केवल उन यूजर्स के पास उपलब्ध है जो अपने स्मार्टफोन में रिलायंस जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऐप का डाउनलोड साइज 6.15 मेगाबाइट है। सभी यूजर्स के लिए इसका कमर्शियल वर्जन भी जल्द ही जारी किया जाएगा। फिलहाल जियो ग्रुप टॉक ऐप सिर्फ एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके रिलीज होने वाले फाइनल वर्जन में कई और धांसू फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो जियो इस ऐप में HD वीडियो कॉलिंग का भी सपोर्ट देने वाली है, लेकिन फिलहाल यह उपलब्ध नहीं है। जियो ग्रुप टॉक कॉन्फ्रेंस कॉलिंग ऐप, जाने कैसे करें इस्तेमाल। एक, इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक जियो सिम और एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन होना चाहिए। दो, अब अपने जियो सिम वाले स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर पर जियो ग्रुप टॉक ऐप सर्च करें। तीन, अपने रिलायंस जियो मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए साइन करें। इसके बाद आपके नंबर पर एक OTP जाएगा, जिसके जरिए आपको वेरिफिकेशन करना होगा। चार, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद आप जियो के न्यू कॉन्फ्रेंस कॉलिंग ऐप का इस्तेमाल कर सकेंगे।